इस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे, दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे, तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे, चौथी लग गई। महाराज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, और मणिकर्णिका का घाट कोई साधारण नहीं है, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी के वही घाट पर ही जलते हैं। तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, दूसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, सात काली मिर्ची लो, पांच लौंग लो और पांच बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो, कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांध कर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए, उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगे। कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती है, शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब या शाम के समय पर दीपदान करती हो, पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचबीघन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है और 14 दिए का दान होता है। इसमें 14 दीप,
14 निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप। वृंदा, वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहा है और वृंदा ने उसी समय भगवान शंकर को बुलाया, भोलेनाथ पधारो पधारो। शिव सामने आए सम वृंदा, तेरे पति ने जो उपद्रव मचाया था, जहां जहां मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सब खंडित कर दिए थे, जो ब्राह्मण पूजन करने बैठते थे तेरा पति जलंधर उनके प्राणों को हर लेता था। वृंदा, कहीं किसी गांव में अगर भोजन और भंडारा होता था तो तेरा पति उसमें कुछ गलत पदार्थ मिला देता था। वृंदा, तेरे पति को मारना जरूरी था। वृंदा की आंख में आंसू भरे थे और वृंदा आंसू भरती भरती कहती है, भोलेनाथ मैं ये भगवान विष्णु को श्राप देती हूं कि ये पत्थर के हो जाए, ये पत्थर के हो जाए। और मैं वृंदा हाथ में जल लेकर अपने शरीर पर डालती हूं और मैं तुलसी का पौधा बनूंगी, पर भोलेनाथ हे शंकर हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी, मैं तुलसी कभी आप पर नहीं चढ़ूंगा, केवल वर्ष में एक दिन होगा बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भगवान का हरिहर मिलन होता है, बैकुंठ चतुर्दशी दीपावली के बाद में आती है, पूर्णिमा के पहले, कार्तिक पूर्णिमा जो आएगी तब बैकुंठ चतुर्दशी। और इस बैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महत्व है साहब, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, विद्या में कमजोर होते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति कमजोर होती है, जो उनको माता पिता बार बार कहते पढ़ 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 और बच्चा पढ़ता नहीं है, उनका दिमाग उनकी चित्तवृत्ति खेलने में लगी रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, उन बच्चों के लिए शिव महापुराण कहती है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 बजे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे तक भगवान शंकर पे तुलसी चढ़ती है और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम जी पर, भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। 12 बजे से 4 बजे के बीच में वो तुलसी और बेलपत्र उठाकर शहद की शीशी में रख लीजिए और वो शहद को, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, चित्तवृत्ति में कमजोर हो, उस बच्चे को एक महीने तक वो बेलपत्र का, वो तुलसी डली हुई बैकुंठ चतुर्दशी की वो पूजन सामग्री अर्थात वो बेलपत्र, वो तुलसी का शहद एक महीने तक बच्चे को चटाइए, बच्चा पढ़ने में होशियार होगा, माता पिता को कहना नहीं पड़ेगा कि तू पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़े। तुलसी कहती है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन केवल मैं तुलसी आप पर कभी नहीं चढ़ूंगी शंकर,